अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट ताहिर निकाश कंबो। ताज़ा तरीन रिपोर्ट के मुताबिक सिदरा सईद बंदेशा और ज़फ़र सपारी की इस्लामाबाद के अंदर मुलाकात हुई है। इस मुलाकात के अंदर क्या बातचीत हुई है हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन ऑन कर दें ताकि आपको हर नई वीडियो मिल सके। ज़फ़र सपारी और सिदरा सईद बंदेशा की मुलाकात के बाद ज़फ़र सपारी का एक बयान सामने आया है जिसमें उनका कहना था कि सिदरा सईद बंदेशा जैसी नाडार और बहादुर औरत को मैंने आज तक नहीं देखा। उनके भाई अब्दुल रहमान बंदेशा के शहीद होने के बाद सिदरा सईद बंदेशा को घर से बाहर निकलना पड़ा और चंद ही अरसे में उन्होंने अपनी कामयाबी के झंडे गाड़ दिए हैं और मुझे ऐसा लगता है कि वो अभी से ही 2023 का इलेक्शन जीत चुकी हैं, क्योंकि वो जिस तरह अपने इलाके में मकबूल हो रही हैं इंशाल्लाह ताला वो 2023 का इलेक्शन बहुत ही आसानी के साथ जीत जाएंगी। ज़फ़र सपारी का मज़ीद कहना था कि मैं हर लिहाज से सिदरा सईद बंदेशा के साथ हूँ, जहाँ भी उनको मेरी ज़रूरत हुई मैं वहाँ पर हाज़र हो जाऊँगा। आपको मज़ीद बताते जाएं कि ये मीटिंग इस्लामाबाद के अंदर हुई थी जिसमें सिदरा सईद बंदेशा ने उनको फैसलाबाद आने की दावत भी दी थी, जिस पर ज़फ़र सपारी ने इस दावत को कबूल करते हुए कहा है कि मैं बहुत जल्द फैसलाबाद भी आऊँगा।